किसानों की आर्थिक समृद्धि के पीछे मुख्य रूप से सरसों और प्याज की फसल है, लेकिन इस बार दोनों ही फसलों में किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की स्थानीय कृषि उपज मंडी अलवर में इन दिनों सरसों की आवक मात्र 1,500 से 2,000 कट्टे प्रतिदिन की आवक है। वहीं गेहूं भी नाम मात्र का करीब 400 से 500 कट्टे ही आ रहे हैं। मंडी में आगामी दिनों में बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास की फसल आएगी। वहीं बता दें कि सरसों की आवक कम होने को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि सरसों के दाम गत वर्ष की तुलना में करीब 500 से 600 रुपए कम हो गए हैं। किसानों को सरसों के दाम अच्छे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पाम ऑयल का आयात होने से सरसों के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं किसान इस उम्मीद में फसल को मंडी नहीं लाए हैं। अब जबकि सरसों के दाम में बढ़ोतरी के आसार कम है, तो किसान सरसों के दाम बढ़ने की उम्मीद में एक साथ मंडी में सरसों नहीं ला रहे हैं। वहीं नई फसल को लेकर व्यापारी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वर्षा के अच्छी होने की संभावना को देखते हुए उम्मीद है कि बाजरा, ज्वार और कपास की फसल जिले में अच्छी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।